सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अपने अतरंगी कपड़ों के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके अतरंगी लुक की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लोग भी इन पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग उर्फी की खिंचाई करते हैं तो कुछ उनके समर्थन में भी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं में से कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि उर्फी जावेद जिस धर्म से आती हैं, उसमें इस तरीके के कपड़े पहनना कैसे जायज ठहरा दिया गया? उर्फी के खिलाफ क्यों कोई फतवा जारी नहीं किया जाता? लेकिन अब उर्फी जावेद के खिलाफ भी फतवा जारी हो सकता है और उन्हें कब्रिस्तान में मरने के बाद जगह भी नहीं मिलेगी, ये भी हो सकता है। आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मीडिया के सामने कहा, उर्फी जावेद के खिलाफ फतवा जारी किया जाए, उन्हें बेहद शर्म आती है जब कोई कहता है कि मुस्लिम लड़की नंगी घूम रही है। अंसारी ने आगे कहा, उर्फी ने इस्लाम का अपमान किया है। जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें कब्रिस्तान में जगह भी नहीं दी जाएगी। उर्फी जावेद जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, उससे दुनिया भर के मुसलमानों की बदनामी हो रही है। वे अगर ये कहती हैं कि वे इस्लाम को नहीं मानती तो सबसे पहले अपना नाम बदलें। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि एक मुस्लिम लड़की इस तरह के कपड़े पहनती है। फैजान ने आगे कहा, उर्फी तो वैसे भी कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो तो खुद को मुस्लिम मानती ही नहीं है। फिलहाल उर्फी के खिलाफ इस मामले में बाकी और मुसलमानों के साथ मिलकर गोलबंदी की जा रही है। अंसारी ने बताया है कि उन्होंने फतवा जारी करने के लिए दिल्ली के मौलाना और मुंबई के शहर काजी को भी शिकायत दी है। उन्होंने कहा, उर्फी अपना धर्म बदल लें, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि उन्होंने हर धर्म के लिहाज से भी तो सारी हदें पार कर दी हैं। आपको बता दें, उर्फी जावेद पिछले दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ से भी उलझ गई थी। बीजेपी नेता चित्रा वाघ से उनकी तनातनी इतनी बढ़ गई थी कि वो बीजेपी नेता को ट्रोल भी करती हुई नजर आई थी, जिस पर भी लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और इस मामले ने खूब तूल पकड़ लिया था। VK News, राष्ट्र के नाम।